हर साल 4 फरवरी को क्यों मनाया जाता है कैंसर डे, जानिए इतिहास। बीते 2 साल पूरी दुनिया के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। कोविड महामारी की चपेट में कई लोग आए, जिसके चलते उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। वहीं बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरण के कारण आए दिन तरह तरह की नई बीमारियां लोगों को अपना शिकार बना रही है, जिसके कारण वैज्ञानिकों में काफी डर बना हुआ है। इन्हीं खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है कैंसर। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आइए आज हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर वर्ष 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। तब से अब तक हर साल कैंसर दिवस पर नई थीम जारी की जाती है। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आम लोगों को कैंसर के खतरे के बारे में जागरूक और इसके लक्षण से लेकर इसके बचाव के बारे में जानकारी दी जा सके। कैंसर को लेकर कई लोगों में गलतफहमी होती है कि यह छूने से फैलता है, जिसके कारण लोग कैंसर के रोगियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह धारणा पूरी तरह गलत है। कैंसर शब्द की उत्पत्ति का श्रेय ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स को दिया जाता है। इन्हें चिकित्सा जनक भी कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने गैर अल्सर बनाने और अल्सर बनाने वाले ट्यूमर के बारे में बताते हुए कर्सिनी और कर्सिनोमा शब्द इस्तेमाल किया। 70-80 करोड़ साल पहले डायनासोर जीवाश्मों में कैंसर सेल्स के प्रमाण देखे गए। 2003 में कई शोध के बाद इस बात का पता चलता था। हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाने के लिए प्रतिवर्ष एक थीम निर्धारित की जाती है। इस बार की थीम क्लोज द केयर गैप है। इस थीम के साथ ये दिन पूरे विश्व में मनाया जाएगा।